अब तक आपने बहुत सारे पुल देखे होंगे, लेकिन इतना लंबा पुल नहीं देखा होगा। एक ऐसा पुल जिसे बनने में तो 21 साल लग गए, लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ तो कई तरह के हालातों में भी अब इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस पुल पर एक तरफ गाड़ियां भी चल सकेंगी तो दूसरी ओर ट्रेन भी दौड़ेगी। इस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसे पूर्वोत्तर की तस्वीर बदलने वाला बताया। आज नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिवस है। आप सभी को देश के सबसे लंबे रोड रेल ब्रिज की बहुत बहुत बधाई। इस पुल को बनाने में कुल 21 साल लग गए। 2009 में बनकर तैयार होने वाला यह पुल साल 2018 में बना है। हालांकि वाजपेयी और मनमोहन की सरकार में काम को गति मिली, लेकिन फिर भी पूरी तरह से ये बनकर तैयार साल 2018 में ही हो सका। इस पुल की शुरुआत के साथ ही पूर्वोत्तर में विकास का एक और मील का पत्थर स्थापित हो गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये पुल 42 खंभों पर टिका है। हर खंभा नदी के भीतर 62 मीटर तक गाड़ा गया है। काम होता है एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ना, और यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि असम के दो इलाकों को ये जोड़ रहा है, साथ ही साथ अरुणाचल की सीधी सीधी दूरी कम कर रहा है। चाहे वो आर्मी की बात हो या दूसरी स्ट्रेटजिक फोर्सेस की बात हो, सबके लिए सहूलियत है। स्थानीय लोगों की बात करें तो उनके लिए काफ़ी सहूलियत वाली बात है। सीधा सीधा ईटानगर की दूरी की अगर हम बात करें तो वो भी कम हुई है, और यहाँ से अगर किसी को जाना है दूसरे इलाके में, खास तौर पर अरुणाचल में, तो उसके लिए काफ़ी आसानी वाला सफ़र होगा। सामरिक लिहाज से भी बोगीबील पुल मील का पत्थर है जो चीन को परेशान करने वाला है। इस पुल से अब चीन की सीमा पास हो गई है। अब अर्जुन टैंक से लेकर सामरिक साजो सामान कुछ घंटों में ही सीमा पर पहुंच जाएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक पुल के आसपास के हिस्से को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ना बेहद जरूरी था, ताकि अगर चीन सीमा पर कोई हिमाकत करे तो सेना की जरूरत का हर सामान आखिरी छोर तक जल्द से जल्द पहुंच सके और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके।